देखिए केस बड़ा गंभीर केस है और दुर्भाग्य से ऐसी घटना है राजस्थान में पिछले एक लंबे अरसे से चली आ रही है। कभी बीकानेर, कभी सीकर, कभी अलवर, दुर्भाग्य से ये महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएँ बढ़ी है और ये घटनाएँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो इसको भी मैंने अभी तय किया है कि केस ऑफिसर स्कीम होती है जिसके अंतर्गत पूरी तरह मॉनिटरिंग प्रोसिक्यूशन की पुलिस की देखरेख होती है, उसके अंतर्गत इस केस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे केस ऑफिसर स्कीम। उसके अंतर्गत इसकी पूरी तरह से जांच होगी और कोई बख्शा नहीं जाएगा। मॉनिटरिंग के आधार पर सजा दिलाई जाएगी जिन्होंने अपराध किया है। नंबर दो, मैंने अभी मीटिंग करी ऑफिसर के साथ में, मैंने तय किया है इन फ्यूचर राजस्थान भर के अंदर जैसे 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 SC ST के लिए नोडल ऑफिसर होता है, एक CO लेवल का ऑफिसर जिसका काम है कि SC ST के केसेस को, अत्याचार केसेस को नोडल ऑफिसर, वो CO है, उसकी देखरेख में पूरी मॉनिटरिंग होती है। उसी रूप में मैंने तय किया है कि एक पुलिस ऑफ CO लेवल का ऑफिसर जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार, उसमें किडनैपिंग भी आती है, उसमें रेप केस भी आते हैं, उसमें गैंग रेप भी आते हैं, सभी आएंगे। CO लेवल का ऑफिसर उसकी मॉनिटरिंग करेगा इन फ्यूचर पूरे राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर नई पोस्ट क्रिएट की जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी। ये इस प्रकार से हमने निर्णय किया अभी। और ये घटनाएं जो है इस रूप में सामने आ रही है उसमें 3-4 जिलों में ज़्यादा घटनाएं हुई है। पिछली सरकार ने क्योंकि ध्यान दिया नहीं, हमेशा जो केस नंबर है, FIR नंबर कितने कम ज़्यादा हुए उसके आधार पर हमारे गृह मंत्री जी अप्रिशिएट करते गए, हौसला अफजाई करते गए, उसके कारण और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं। हमने तय किया है सरकार बनते ही, मैंने DG पुलिस को ये निर्देश दिए थे कि संख्या की चिंता नहीं करें, जो थाने में जाएगा उसकी FIR लॉज होगी। पहले क्या हो रहा है कि FIR लॉज ही मत करो जिससे कि क्राइम की संख्या कम दिखे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो थाने में जाएगा वो कोई ना कोई तकलीफ वाला जाएगा, हो सकता 5% उसमें गलत लोग भी हो, उसको हम अलग से डील कर लेंगे, पर थाने में जाने वाले आदमी को ये महसूस होना चाहिए कि मैं थाने में पहुंच गया हूँ, मतलब अब मैं सुरक्षित हूँ, मेरे साथ न्याय होगा। ये मैंने कहा है। उसके बाद में संख्या बढ़ी भी है, मैं चाहूँगा उसकी अलग से मॉनिटरिंग हो और क्वालिटी क्या है वो देखी जाए कि जो केसेस आ रहे हैं वो किस प्रकार केसेस आ रहे हैं। नंबर तीन, जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला कर रहे हैं कि थाने के अंदर अगर कोई थानेदार FIR लॉज नहीं करेगा तो SP ऑफिस के अंदर हम प्रोविज़न कर रहे हैं। SP ऑफिस में प्रोविज़न होगा जिस थाने की रिपोर्ट आएगी कि थानेदार ने FIR लॉज नहीं करी है, SP ऑफिस में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि SP ऑफिस में FIR लॉज होगी और फिर उसकी मॉनिटरिंग होगी थाने में क्यों नहीं FIR लॉज हुई है और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम कुछ कदम उठाएंगे जिससे कि क्राइम रेट कम आए राजस्थान के अंदर। ये बहुत दुखद घटना है। आज गवर्नमेंट इंडिया के भी कमीशन आ रहा है, वहाँ पर चेयरमैन आ रहे हैं और हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी भेजा है मिस्टर नितिन राउत को, जो हमारे AICC के SCCL के अध्यक्ष हैं, वो खुद जा रहे हैं, बातचीत करेंगे परिवार से
और इस केस को हम लोग प्रायोरिटी भी ले रहे हैं। कमिश्नर की इंक्वायरी बैठा दी गई है जो कि कहाँ कहाँ चूक हुई है, चूक को कमिश्नर और इंक्वायरी के अंतर्गत आएगी तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। ऑफिसर के खिलाफ में किन किन ने कहाँ कहाँ पर कमी रखी थी जांच के अंदर। केस ऑफिसर्स स्कीम जो है ये अपना आप में स्कीम ये है जो फॉलो होते ही जाएगा और बाकायदा जो गवाह है प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेसर होता है उसकी मॉनिटरिंग करने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सके उसको सज़ा मिले। और पहले एक दो घटना जो हुई भी है जिसमें सज़ा 3 महीने में 4 महीने मिली भी है। अब इस केस में क्या स्थिति बनती है वो टाइम बताएगा। सर बाकी के जो केसेस हैं तीनों निर्णय जो आज मैंने लिए हैं तीनों राजस्थान के पुलिस प्रशासन में इम्पोर्टेंट निर्णय है जिसमें SP ऑफिस में दर्ज हो सकती है FIR, वो थाने में नहीं होगी। तो पुलिस ऑफिसर्स स्कीम के अंतर्गत ये केस को लिया जाएगा। दो और एक शियो लेवल का ऑफिसर महिलाओं पर अत्याचार को पूरी मॉनिटरिंग अकेला इसका उसका काम सिर्फ यही रहेगा महिलाओं पर अत्याचार हो उसको ही देखना है खाली। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। सर रॉबर्ट वाड्रा के जो साथी हैं महेश नागर और ललित नागर उन्होंने कैमरा पर माना है कि लैंड डील्स में गड़बड़ी हुई थी और बीकानेर लैंड डील्स समेत जो दूसरी लैंड डील्स थी उसमें भी गड़बड़ी हुई कैमरा पर ये माना है सर एक स्टिंग ऑपरेशन। मैं वाड्रा हूँ क्या ये आप मुझसे पूछ रहे हो? राजस्थान के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री था कलेक्टर के हस्ताक्षर से लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई नंबर एक। शिली में कोई केस नहीं आता नंबर दो। ये तो मुझे मालूम थे 5 साल पहले की बात है। उसके बाद में अब तो सब जुडिस मामला है। अब सब जुडिस मामले में कहाँ क्या कार्रवाई हो रही है मेरी जानकारी में नहीं है और जो कुछ भी कहीं गलती हुई होगी तो जब हाईकोर्ट में केस चल रहा है ED में चल रहा है तो सब जुड़ी से मामला है। सर भाई यानी तो दुष्कर्म की घटना है क्या उनको भी केस ऑफिसर्स के लिए जाए क्या थानागाजी के अलावा जो घटना है सबको लिया जाए तो थानागाजी केस ऑफिसर स्कीम ये केस तो लिया जा रहा है बाकी कौन सा केस किस गंभीरता से आता है वो देखना पड़ेगा। सर INS को लेकर कई सब INS को लेकर सही सवाल खड़े करे मोदी सरकार ने विराट को लेकर जो मजाक उड़ी है प्रधानमंत्री जी की पूरा देश और दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस तरह के व्यक्ति अपने पर की गरिमा घटाने का मैं समझता हूँ कि जो स्तर बना है आज़ादी के बाद में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी इतने बौखला गए हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा आपको कि वसुंधरा जी की विदाई यात्रा चल रही है और वो पूरी हो चुकी है। अब जो है नरेंद्र मोदी जी की विदाई यात्रा चल रही है देश के अंदर इसलिए वो इतने बौखला गए हैं इतने घबरा गए हैं। पिछले एक सप्ताह से जो वो भाषा बोल रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं उसको ये देश पसंद नहीं कर रहा। पूरे मुल्क के नागरिक प्रधानमंत्री की भाषा को उनकी शैली को उनकी टिप्पणियों से लोगों ने बहुत बड़ा गुस्सा है आक्रोश है उसका नतीजा मोदी जी को चुनाव भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार INS विराट की बात की गई है उससे बड़ी मजाक कोई हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री अपने मुंह से अगर इतनी बड़ी बात कह दे कि कौन कौन लोग उसके अंदर जार में थे 10 दिन का क्या कहते हैं वो पिकनिक मनाने गए थे और नेवल चीफ अगर ये कहे कि ये एक मजाक है हमारे साथ में हम किन पैसे से काम करते हैं कैसे हम लोगों ने ऑफिशियल टूर था वो हमारा और उसको प्रधानमंत्री किस रूप में ले रहे हैं ये दुर्भाग्य देश का।